नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है, वो भी आराम से बुन सकता है। इसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा अपने मेन कलर से सीधा बुनेंगे। अगला फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे, लेकिन सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। फिर 3 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर अगला फंदा दूसरे रंग के ऊन से सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। फिर 3 फंदा मेन कलर से सीधा, चौथा फंदा दूसरे रंग के ऊन से सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 फंदा मेन कलर से सीधा और चौथा फंदा दूसरे रंग के ऊन से सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा। लास्ट में 4 फंदे पहले रंग के ऊन से सीधे। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। अब मेन कलर वाले फंदे हम उल्टा बुनते जाएंगे और दूसरे रंग वाला ऊन जो है, इसको इस फंदे को हम खोलेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। यानी ये दूसरा जो थ्रेड है वो यही रह जाएगा। इस दूसरे रंग वाले जितने भी स्टिचेज हैं, उन्हें हमें बुनना नहीं है, सिर्फ खोलना है और स्किप कर देना है। और पहले वाले जो हमारा मेन कलर है, उस रंग का जितने भी फंदे हैं उसे उल्टा बुनते चले जाएंगे। तो 3 फंदा उल्टा बुना, चौथा फंदा खोला, इसे स्किप किया, फिर 3 फंदा उल्टा बुना, दूसरे रंग वाला फंदा खोला, स्किप किया, फिर 3 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से मेन कलर वाले जो फंदे हैं, उन्हें सीधा बुनते जाएंगे और दूसरे रंग वाले फंदे उसे स्किप करते जाएंगे। दूसरे रंग वाले फंदे को स्किप करेंगे, मेन रंग वाले फंदे को सीधा बुनते चले जाएंगे। और अब हम
डिज़ाइन के चौथे लाइन पे है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो चौथे लाइन में पहला फंदा मेन कलर से उल्टा बुनेंगे और उसके बाद ये जो हमारा दूसरे रंग वाला फंदा है उसे तीन फंदे के पहले कर लेंगे। तीन फंदे के पहले कर लिया और फिर दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुना, लेकिन दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा। फिर तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। फिर ये जो दूसरा हमारा फंदा है इसे हमें तीन फंदा आगे करना है, तो तीन फंदे के इसे पहले कर लिया, इसे उल्टा बनेंगे इसी रंग के ऊन से, लेकिन सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। फिर नेक्स्ट तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। फिर इस फंदे को जितना हमारे पास दूसरे रंग का जितने फंदे हैं उन्हें तीन फंदे के पहले करना है। तीन फंदे के पहले कर लिया, उसके बाद इसी रंग के ऊन से दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। अगला तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। इस फंदे को दूसरे रंग वाले फंदे को तीन फंदे के पहले कर लेंगे और इसे इसी रंग के ऊन से सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। दूसरे रंग के फंदे को तीन फंदा के पहले कर लेंगे और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे इसी रंग के ऊन से। नेक्स्ट तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और सामने से अब दूसरे रंग वाले थ्रेड को यहीं छोड़ देंगे। पहले रंग वाले सभी फंदे को सीधा बुन लेंगे और दूसरे रंग वाले फंदे को खोलेंगे और स्किप कर लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा दूसरे रंग वाले फंदे को खोला, इसे सरका लिया, फिर तीन फंदा सीधा, फिर दूसरे रंग वाले फंदे को खोला, उसे स्लिप किया, तीन फंदा सीधा, दूसरे रंग वाले फंदे को खोला, उसे स्लिप किया, फिर तीन फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का छठा लाइन और रॉन्ग साइड, पहले रंग वाले सारे फंदे बुन लेंगे और दूसरे रंग वाले सारे फंदे स्किप कर लेंगे। पहले रंग वाले सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे और दूसरे रंग वाले सारे फंदे स्किप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे रंग वाला थ्रेड इस साइड में है, यानी कि अब इस लाइन में डिज़ाइन बनेगा। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है, इसको तीन फंदे के पहले करना है, यानी पहला फंदा हमारा पहले रंग के उनसे सीधा रहेगा, उसके बाद इस फंदे को दूसरे रंग वाले फंदे को तीन फंदे के पहले कर लेंगे और इस लूप को सीधा रखेंगे
और फिर तरीका वही है, सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है, फिर तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर इस फंदे को तीन फंदे के पहले कर लेना है। ये हम लूप को सीधा रखना है और फिर इसे इसी रंग के ऊन से सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेना है, फिर तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर इसे दूसरे रंग वाले फंदे को तीन फंदे के पहले कर लेना है और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेना है, फिर तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा। इस तरह दूसरे रंग वाला जो ऊन है वो तीन लाइन के बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है। और फिर आठवें लाइन में पहले रंग के ऊन के सभी फंदे जो है उसे उल्टा बुन लेंगे, दूसरे रंग वाले फंदे इसे खोलेंगे और इसे हम स्लिप कर लेंगे, बुनना नहीं है। यानी हर तीसरे, देखिए यहाँ पे ये बैक साइड है और हर तीसरे लाइन में दूसरे रंग के ऊन का इस्तेमाल हो रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी फंदे को उल्टा बुनते आएंगे, फिर सामने से सीधा बुनते आएंगे और बैक साइड से, चूँकि ये ऊन इसी तरफ है तो फिर हमें इसको तीन फंदे के, देखिए अब ये इस साइड जा रहा है तो तीन फंदे के पहले कर लेंगे और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा, डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।